नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने गौर यमुना सिटी के एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर, फर्स्ट ए पार्क व्यू, इसको लेक शोर विलास भी बोलते हैं। बिल्कुल जो गौर यमुना सिटी में एंटर करते ही लेक है, उसके बिल्कुल सामने ये प्रोजेक्ट पड़ता है एंट्रेंस के पास। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में चलने वाली कंस्ट्रक्शन। ये आप जो देख रहे हैं, गेट का निर्माण किया जा रहा है, अंदर सड़कों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और तमाम जानकारी प्रोजेक्ट की और हॉट प्रॉपर्टीज़ की रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए, ताकि आपको जानकारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्लॉट साइजेस के बारे में बताएंगे, प्राइजेस के बारे में बताएंगे, रीसेल प्राइजेस के बारे में बताएंगे और तमाम जानकारी जो ये लेक शोर विलाज फर्स्ट ए पार्क व्यू है, इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। दोस्तों, इसका जो अभी लॉन्च हुआ था वो लगभग 6 महीने पहले इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसका कोई वीडियो हमने अभी तक बनाया नहीं था। ये बिल्कुल गेट से एंटर करते ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है ये प्रोजेक्ट। लगभग 10 से 12 एकड़ के बीच में इस प्रोजेक्ट का एरिया है, एक सेपरेट ब्लॉक है। इसमें बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे है, जैसा आपने इसका नंबर सुना होगा फर्स्ट। अब से पहले सेकंड लॉन्च हो चुका था, थर्ड लॉन्च हो चुका था, 7th, 6th, 32nd सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके थे। तो ये वाला प्रीमियम था, बिल्कुल सामने लास्ट के लिए रखा गया था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, साथ में आपके बिल्कुल सामने लेक है। लेक का भी हम आपको काफ़ी सारा हिस्सा दिखाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको गौर यमुना सिटी में पता है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आपके डे टू डे लाइफ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी ही यहाँ पे हैं। बहुत ही अमर्जिंग एरिया है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यमुना एक्सप्रेस वे, उसके पास ही एयरपोर्ट भी बहुत पास है। लगभग यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर आपका एयरपोर्ट है। लग्जरी अकोमोडेशन में यही गौर यमुना सिटी है, एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जो आसपास यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके पास में ही है। अगर हम आगे की कल्पना करें, एयरपोर्ट से अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाते वक्त लोगों की जो फर्स्ट चॉइस रहने की होगी वो कहाँ होगी, तो मैं ये कहता हूँ कि गौर यमुना सिटी ही आज की डेट में फर्स्ट डे से ऐसी चॉइस होगी जहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। बहुत ही लग्जरी इसका सेगमेंट रहेगा। रेडी टू स्टे है, मतलब ऐसा है कि कोई फ्यूचरिस्टिक नहीं है, आज की डेट में सब कुछ बना के दिया है, बिल्कुल पैराडाइज की तरह है। सारी एमेनिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल पार्क हैं इसमें, स्विमिंग पूल्स हैं, किड्स प्ले एरिया है, लेक दिया हुआ है, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के सारे जो आपके इसमें कोर्ट हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, सभी तरह के स्पोर्ट्स की, स्विमिंग पूल, एक अलग से स्टेडियम दिया हुआ है जो गौर यमुना सिटी में रहने वाले जो लोग हैं सभी के यूज़ के लिए एक बेस्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना के दी हुई है। दोस्तों, अभी आप पार्क देख रहे हैं, पार्क भी बहुत ही बढ़िया पार्क है। वीकेंड में काफ़ी यहाँ पे जो रश रहता है, लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा से यहाँ पे अपना पिकनिक स्पॉट की तरह बन गया है, लोग इस पार्क को घूमने आते हैं। जो लोग गौर यमुना सिटी में रहते हैं वो लोग भी सुबह शाम इसका पूरा आनंद लेते हैं। डक्स हैं यहाँ पे और क्लीनिंग वाटर है, नाम इसका यमुना लेक है। आपका जो लगभग 10-12 एकड़ में फैला हुआ है, इसका एक चक्कर ही आपको पूरा आपका वर्कआउट करा देता है, और साथ के साथ ही आपको नेचर की ब्यूटी है वो भी इसमें मिलती है। हम जो फर्स्ट पार्क व्यू और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं गौर के, उनके बारे में आपको बता दें कि सभी में लगभग आप को एक सिमिट्री में मकान और विला बनाने होते हैं। तो जो जब आप गौर के साथ ये प्लॉट परचेज करते हैं, तो यू हैव टू साइन अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट दैट यू विल बी डेवलपिंग योर विला और प्लॉट इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो आपसे सामने से इतना छोड़ना है, ऐसा डिज़ाइन रखना है। इंटरनल आप कुछ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक लेआउट और जो फ्रंट का लेआउट है उसके लिए आपको एग्री करना पड़ता है। इसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी लिमिटेशन हो, लेकिन ओवरऑल जब प्रोजेक्ट बन के निकलता है तो सारे मकान एक जैसे विला फॉर्मेशन में आपको बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों,
आज की डेट में लगभग सभी प्रोजेक्ट में ये गौर ने दिखा दिया है कि कितनी जल्दी वो डिलीवर करते हैं, सारी सीवेज ड्रेनेज वाटर पाइपलाइंस इलेक्ट्रिक फैसिलिटी फर्स्ट डे से आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें भी बहुत जल्दी काम चल रहा है, जो पोजेशन टाइम का विद इन अ वन ईयर इसका पोजेशन है दोस्तों, और आशा है जैसे पुराने प्रोजेक्ट में मिला है इसमें भी आपको जल्दी ही मिलेगा। FAR रेशो का करें तो बहुत ही वाइड और ग्रीन है। इसमें जो रोड हैं 12 मीटर के इंटरनल रोड हैं, सामने 30 मीटर का रोड है, 9 मीटर के रोड हैं, दो पार्क अंदर भी हैं, सामने बहुत बड़ा लेक व्यू पार्क है, तो डेंसिटी भी बहुत कम है। टोटल 248 इसमें प्लॉट्स हैं अप्रॉक्स के, आगे थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं बट अभी की डेट में जो नंबरिंग है 248 प्लॉट्स तक की इसमें नंबरिंग है। और दोस्तों मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, डायमेंशंस वाले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इसमें रख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हर एक प्लॉट का आपको नहीं बताऊंगा। गौर यमुना सिटी में एक चीज़ और एडिशनल कहूँगा कि मेट्रो का भी यहाँ पे प्लान है, बिल्कुल सेक्टर 18 और 20 के मेट्रो स्टेशन गौर यमुना सिटी के सामने से ही मेट्रो जाने वाली है, जो एयरपोर्ट को, जब तक एयरपोर्ट बनेगा तब तक वो मेट्रो भी चालू हो जाएगी। और ये जो हमारा यमुना का पूरा एरिया है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन है ना, तो आने वाले टाइम में मैं ऐसे देखता हूँ कि यहाँ से लोग जो है बसेस में भर के काम यहाँ से ग्रेटर नोएडा नोएडा आया करेंगे काम करने के लिए। इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं कि ये पूरा एक अपने आप में कंप्लीट इंडस्ट्रियल टाउन है। तो आने वाले टाइम में इसका जो डेवलपमेंट होगा, मुझे ये लगता है, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि यमुना एक्सप्रेसवे का जो टाउनशिप है ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा के टाउनशिप के और उनके प्रॉपर्टी प्राइजेस को सरपास करेगा। दोस्तों इसी के साथ ही यहाँ पे जो गौर यमुना सिटी से हम निकलते हैं तो दोनों तरफ जाने के लिए हमारे पास आगरा के जाने के लिए प्लस ग्रेटर नोएडा आने के लिए बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर एग्जिट बने हुए हैं। एक तरफ 2C एग्जिट बना हुआ है, दूसरी तरफ भी एक एग्जिट बना हुआ है। साथ में दोस्तों जो हमारा सेक्टर 21 का फिल्म सिटी है वो भी यहाँ से जस्ट 3-4 किलोमीटर्स है। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि गौर यमुना सिटी का के क्या क्या इसके अंदर हैं। साथ में मैं प्राइसिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इनकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 39,990 पर हुई थी दोस्तों, जो इंटरनल प्लॉट्स थे, और अभी लगभग 56,000 जो फ्रंट वाले प्लॉट्स हैं उनका प्राइस है लगभग, जो 10 एकड़ का प्रोजेक्ट मैंने आपको इसका और ही बता दिया, टोटल 248 प्लॉट्स हैं, 105 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, इसमें 110 स्क्वायर यार्ड के हैं, 124, 183, 218 और ये प्लॉट साइज थे। डायमेंशन जो मोस्टली 105 का मैं बताऊंगा, 14x6 लगभग गज का इसमें जो डायमेंशन है। एक जो बहुत सारे प्लॉट्स हैं 124 उसमें 16x6 का इसमें डायमेंशन है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की इस छोटे से वीडियो में, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको दोबारा से ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी जानकारी के लिए सेल परचेज के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।